बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर का नाम अक्सर विवादों से जुड़ता रहा है। हालांकि उस वक्त उनका नाम काफी खराब हुआ था जब साल 2018 में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। तनुश्री दत्ता के मुताबिक हॉर्नों के पीस के गाने की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उनके साथ बदसलूकी की थी। अब इस खबर ने हर तरफ हंगामा मचा के रख दिया था। हालांकि अब हाल ही में 6 साल बाद नाना पाटेकर ने इन खबरों पर फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने इसके पीछे की सच्चाई बताई है। चलिए आखिर देखते हैं कि नाना पाटेकर ने इस पर क्या कहा। दरअसल हाल ही में नाना पाटेकर द लल्लन टॉप में एक इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे और इस दौरान नाना से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सवाल किए गए। अब इस दौरान नाना पाटेकर से तनुश्री दत्ता के लगाए गए सेक्सुअल हैरेसमेंट पर भी सवाल किए गए और उनसे पूछा गया कि जब तनुश्री दत्ता ने उन पर आरोप लगाए थे तो उन्हें गुस्सा नहीं आया। अब इसका जवाब देते हुए नाना पाटेकर ने कहा कि उन्हें शुरू से ही पता था कि ये सारे आरोप झूठे हैं और यही वजह है कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आया। नाना पाटेकर ने कहा कि मुझे पता था कि ये सब झूठ था, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आया। जब सब झूठ था तो मुझे गुस्सा आखिर क्यों आना चाहिए, और वो सब बातें पुरानी हैं, सबको सच पता है। बता दें कि नाना पाटेकर ने इस इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि वो सोशल मीडिया को काफी इग्नोर करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया की बातों को कोई तवज्जो नहीं देता हूँ। कौन क्या लिख रहा है या फिर क्या बोल रहा है, इसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं किसी का मुंह भी बंद नहीं कर सकता, इसलिए मैं सबको इग्नोर करता हूँ। आपको सिर्फ अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए, वही काफी है। बाकी लोगों का काम है कहना, वो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। बता दें कि जब नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता से जुड़ी ये खबर सामने आई थी तो इस खबर ने हर तरफ खलबली मचा दी थी।